आफत की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद में बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में रात भर जमकर बारिश हुई है। कई जगहों पर जलभराव हुआ, सड़कें, अंडरपास जलमग्न हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद में बारिश की संभावना है और बिजली दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश होने की संभावना बनी हुई है और लगातार बारिश हुई भी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब यूपी के भी कई जिलों में बारिश की संभावना है, उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद में बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में रात भर जमकर बारिश हुई, कई जगहों पर जलभराव, सड़कें, अंडरपास जलमग्न हो गए। तो आफत की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि देखिए, इस वक्त जब भी बारिश हो रही है तो सड़कों का हाल यही है कि पानी हर तरफ नजर आता है, जलभराव की स्थिति हो जाती है, गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं, कुछ गाड़ियां पानी में ही बंद हो जाती हैं, कुछ बसें खराब हो जाती हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजत कुमार मेरे साथ ग्रेटर नोएडा से लाइव जुड़े हुए हैं। रजत, अब अलर्ट भी बारिश को लेकर जारी कर दिया गया है, फिलहाल वहां हालात क्या बने हुए हैं? क्या बारिश हो रही है या बारिश का मौसम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारी बारिश हो सकती है वहां पर? देखिए बिल्कुल, अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। अभी की बात की जाए तो अभी 5 मिनट पहले ही बारिश का सिलसिला है, कुछ समा है लेकिन हल्की बूंदाबांदी है, वो अभी भी हो रही है। बारिश के बाद की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो देख सकते हैं कि जो हालांकि अभी हम जो शहरी क्षेत्र में है यहाँ पर जलभराव नहीं हुआ है, लेकिन जो रूरल क्षेत्र है ग्रेटर नोएडा के, वहां पर भारी जलभराव के चलते ट्रैफिक की भी समस्या देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नोएडा की बात की जाए, तमाम जो अंडरपास है वहां पर जलभराव के चलते जाम लगा हुआ है। यह मुख्य मार्ग है जो कि दिल्ली को जोड़ता है और दादरी को जोड़ता है, तो वहां पर भी जाम लगा हुआ है। सुबह सुबह लोग जब भी अपने घरों से निकल रहे हैं तो ऐसे में जब बारिश उसके बाद जाम, तो काफी डिले भी हो रहा है, लोग घंटों से जाम में फंसते रहे हैं। वहीं अगर एक मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले समय में भारी बारिश होने का अनुमान है, क्योंकि देर रात में मूसलाधार बारिश हुई है, उसके बाद सुबह बारिश हुई है, अभी भी हल्की बूंदाबांदी देखी जा रही है। लेकिन जो लोग हैं अपने काम धंधे के लिए जाते हैं उन्हें सावधान रहकर जाना चाहिए। अगर लगता है कहीं इलाकों में भारी बारिश के चलते जलभराव हुआ है तो उस रूट को इग्नोर करें, किसी और रूट से जाए जिससे कि वो अपने गंतव्य को समय पर पहुंच सकें। बिल्कुल रजत, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप खुद भी बारिश के बीच ही ग्राउंड से पूरी जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं, लेकिन रजत बार बार अलर्ट जारी किया जाता है। अब जैसा कि बारिश होगी, आपने बताया कि अभी तक तो यहाँ पर जलभराव नहीं हुआ, लेकिन बारिश जब भी होती है तब सबसे पहले प्रभाव जो है निचले इलाकों पर ही पड़ता है और वहां पर ही सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आती है, जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब भी अगर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा फिर? देखिए, गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, दो भागों में बटा हुआ है, रूरल और शहरी। तो शहरी क्षेत्र काफी विकसित है, लेकिन वही ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अक्सर कहता है कि हमने टेंडर पास किए सीवर समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के बाद ऐसा लगता है कि जो सड़कें हैं ना वो तालाब बन जाती हैं। तो लगातार जो अथॉरिटी के अधिकारियों पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो आपने टेंडर पास किए हैं लेकिन समस्या है वो जस की तस है, ताकि समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, पानी निकासी क्यों नहीं हुई है। हम देखते हैं कि जो हल्दौली कुलेसरा मार्ग है, जो कि मुख्य मार्ग कहा जाता है, वहां पर लोग घंटों से जाम में फंसे जाते हैं, ई रिक्शा है वो गड्ढों के चलते गिर जाते हैं, कुछ लोगों के हाथ पैर भी टूटे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना चाहिए कि अगर बारिश का मौसम आता है तो लगभग कुछ महीने से पहले से ही कार्रवाई है वो करनी चाहिए, तभी जो बारिश के सिलसिले के बाद जो हालात होते हैं उन पर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसा नहीं है, यहाँ पर तीन तीन अथॉरिटी बनाई गई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, लेकिन जो समस्या है जलभराव की वो जस की तस है। अभी की बात की जाए
जाए तो तमाम जो रूरल एरिया हो गए वहां पर भारी जलभराव हुआ है, लोग हैं वो काफी जाम में फंसे हुए और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल रजत, क्योंकि बारिश का मौसम है ये बात पहले से पता होती है, अथॉरिटीज जो बनाई गई हैं उनका ध्यान अगर इस ओर जाएगा तो बारिश के मौसम में इस तरह जलभराव की स्थिति पैदा नहीं होगी और लोगों को सड़कों पर चलने में इस तरह परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात और भी है रजत कि जब भी बारिश होती है, इस तरह जलभराव होता है तो ये कहा जाता है कि लोग अपने घरों में रहे, लेकिन नौकरी पेशा लोग जो हैं वो अपने घरों में नहीं रह सकते, जिन लोगों को घरों से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है वो भी अपने घरों में नहीं बैठ सकते हैं, बच्चों का भी कई बार देखा जाता है कि स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती है, लेकिन अभी जब बारिश की स्थिति यहां पर बनी हुई है तो जाहिर तौर पर बच्चों की भी स्कूलों की छुट्टियां नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए, क्योंकि लोगों को तो परेशानी होगी, उसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए बिल्कुल, नोएडा एक आर्थिक जिला है, यहाँ की 70% जनता नौकरी पर आधारित है, लेकिन वहीं अगर स्कूलों की बात की जाए अभी तक ऐसा कोई भी जिला प्रशासन या जो शिक्षा विभाग है उन्होंने कोई ऐसे आदेश जारी नहीं किया कि भारी बारिश के चलते स्कूल को बंद किया। लेकिन हाँ, सवाल खड़ा होता है जब भी हम ग्रामीणों की बात की जाए जो बसों से जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि जल भराव के चलते जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ ना कुछ आदेश है वो जारी करना चाहिए। हमने देखा है कि तमाम जो रूट है वो बंद हुए हैं क्योंकि ट्रैफिक जो जल भराव हुआ उसके बाद जो लोग जाम में है वो घंटों फंस जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, स्कूली बसें फंस जाती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो जिला अधिकारी कुछ ना कुछ आदेश जारी करें, लेकिन अभी तक नोएडा में ऐसा कोई भी बच्चों के प्रति कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है कि बच्चों की छुट्टी या उनको सुविधा को लेकर। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बारिश के चलते जो तमाम जो अंडर पास हो गए, ग्रेटर नोएडा के हो गए, नोएडा के हो गए, वहां पर जलभराव हुआ है, लोग हैं वो घंटों जाम में फंसे हुए हैं, क्योंकि जब 3-3 फुट जब पानी भर जाता है अंडर पास में तो अंदर से गाड़ियां नहीं जा सकती है, तो उसको लेकर रूट को डाइवर्ट किया जाता है, फिर भारी जाम, तो ऐसे में जाम के निपटने के लिए जब प्रशासन ने अंडर पास बनाया था तो आखिर वो अंडर पास में जो पानी जाएगा वो कहाँ जाएगा, अब उस पानी का क्या होगा, उसको निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते आज जो नोएडा की सड़कें हैं, अंडरपास हैं, वो जलमग्न हो चुके हैं, जो लोग हैं यहाँ पर वो काफी परेशान में हैं। बिल्कुल रजत, क्योंकि